Good morning, student. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already discussed the chapter Shabd Vichar. Shabd Vichar jo chapter hai, usko humne discuss kiya tha. Aur us chapter mein humne dekha tha ki shabd kise kehte hain, shabd ke kitne bhed hain, sarthak shabd, nirarthak shabd, rood shabd, yogik shabd. ठीक है, योग रूट शब्द, तो इन सबको हमने डिस्कस किया था. और आज हम जो है कि हमारा नया चैप्टर जो आपके पीटी वन सिलेबस में है, ये है उपसर्ग और प्रत्यय. आपके चैप्टर में ये दो अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, परंतु इस वीडियो में आपको दोनों को ही मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसको हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं. तो इस चैप्टर को हम लर्निंग आउटकम के रूप में देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा, प्रत्यय क्या है, उसकी परिभाषा, और दोनों के उदाहरणों को हम समझ सके. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से कि चैप्टर में मुख्य रूप से क्या बताया गया है. ठीक है, तो हम देखते हैं उपसर्ग की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है. जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं. ठीक है, ये पहले, उसके पहले, शब्द के पहले. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं अति. अति जो है इसको अगर हम लिखते हैं अति, ठीक है, और इसके साथ अगर हम रिक्त शब्द जोड़ देते हैं, अति रिक्त, ठीक है, अति रिक्त, इसमें देख सकते हैं आप दो शब्द है. पहला जो है कि उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, तो अति जो है कि इसमें उपसर्ग का काम कर रहा है. तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग प्रीफिक्स कहते हैं. ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग हैं बहुत सारे, आपको ये सारे याद रखने होंगे, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं. ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा. अति, अधि, ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं. उसी तरह हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू उर्दू के फारसी शब्द हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं, हिंदी के अपने उपसर्ग हैं. तो इस तरह से आपको जो है कि अनेक भाषाओं के उपसर्ग आप लोगों को याद रखने होंगे. तो इसमें देख सकते हैं हिंदी के उपसर्ग भी हैं, अध, अधपका, कुपुत्र, सुपुत्र, हम लोग जो कहते हैं, ये सारे जो है कि हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो इन सारे चीजों को आप देख सकते हैं, ये हिंदी के उपसर्ग हैं, और पहले आपने देखा संस्कृत के उपसर्ग हैं. तो उपसर्ग का डेफिनेशन यही है, आपको ज्यादा कॉन्फ्यूज नहीं होना है. मुख्य रूप से वे शब्दांश, शब्द के टुकड़े जो मूल शब्द के पहले लगते हैं और शब्द में परिवर्तन या फिर शब्द में नई विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं. अब अतिरिक्त शब्द को आप ले लीजिए, इसमें अति जो है कि उपसर्ग है. ठीक है, अति क्या है, उपसर्ग है, जो हमने डेफिनेशन में देखा था, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसमें परिवर्तन ला देता है, तो प्रीफिक्स जिसको हम कहते हैं. तो अतिरिक्त में जो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, वो है अति. अपमान, इसी तरह अप जो है कि उपसर्ग है. तो इसी तरह जो भी मूल शब्द है उसके पहले जो लगता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं. देखिए, जो मूल शब्द के पहले लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं. तो इस चीज को आपको याद रखना है. अति जोड़ अधिक, अत्यधिक. ठीक है, इसी तरह उपसर्ग को भी दूर जोड़ गुण, दुर्गुण. उद्भव, इसी तरह इसको भी जोड़ने के लिए दिया गया है. तो ये आपका उपसर्ग है. उसी तरह प्रत्यय को हम देखते हैं. प्रत्यय क्या है, देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर, ठीक है, अंत में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं चलना, चलना. ठीक
ठीक है। चलना जो शब्द है इसमें आप देख लीजिए, चल मूल शब्द है और जो है कि प्रत्यय क्या है, ना, ना जो है कि आपका प्रत्यय है। तो वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको एग्जाम में आ सकते हैं उपसर्ग अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए, उपसर्ग का प्रयोग करके दो शब्द बनाइए, प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। अब उपसर्ग के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत क्या है? जो धातु के पीछे लगते हैं उसको हम जो कि क्रिया, क्रिया के पीछे जो लगते हैं धातु के पीछे उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरे जो है जो क्रिया के पीछे नहीं अर्थात दूसरे शब्दों में भी जो प्रयोग होता है संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों के पीछे उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यही दोनों में अंतर है, तो इस अंतर को भी आप समझ सकते हैं। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में इसका प्रयोग होता है। जैसे पढ़ जोड़ आई, देखिए पढ़ाई, देखिए ये बाद में लग रहा है। उसी तरह ठेल जोड़ आ ठेला, थक जोड़ आन थकान, ठीक है। इसी तरह दिख जोड़ आवा दिखावा। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उसे हम सफिक्स प्रत्यय कहते हैं, और वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है इसको आप लोग अभ्यास को करने का घर में आप ट्राई कीजिए, जो भी क्वेश्चन आंसर है अगर इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं इसको हम लोग जो है कि अभ्यास से रिलेटेड उसको हम लाइव क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यही था आपका टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। इससे जो अभ्यास क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो है कि जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें आप जो भी डाउट्स हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो भी वर्ड के अर्थ आपको उपसर्ग या प्रत्यय नहीं मिल रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।